गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। बच्चों आज हम आपको कराने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग। चैप्टर 12 था होली। तो बच्चों सभी बच्चों ने होली का चैप्टर पढ़ा। होली में हम लोग खूब मस्ती करते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो होली हमारा जो ये पर्व है किसके नाम से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक हमारे यहाँ एक राक्षस राज था हिरण्यकश्यप, और उसका बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी बच्चा था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था उसने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए थे, और उसी वरदानों की वजह से वो अपने आप को भगवान समझता था। वो चाहता था कि उसके राज्य के और उसका बच्चा खुद उसी की का नाम रटे, लेकिन प्रहलाद तो सभी लोग जो राजा के जो दरबार के जो लोग थे सेवक वगैरह वो सब राजा के डर की वजह से उसी का नाम रटते थे, लेकिन प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का नाम लेता था, वो भगवान विष्णु की आराधना करता था। ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी और उसने अपनी बहन को होलिका को बुलाया। इसके पहले भी हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए बहुत प्रयास किया, फिर अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन के पास एक शॉल थी जिसे ओढ़कर वो अगर आग के पास जाती थी तो आग उसको जला नहीं पाती थी। ये शॉल उसे वरदान में मिली थी। हिरण्यकश्यप ने बहन को आदेश दिया कि तुम इसको आग में लेकर बैठ जाओ और इसको जला दो। होलिका ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन अचानक से बहुत तेज आंधी आई और जो उसकी शॉल थी वो होलिका से हट के प्रहलाद के ऊपर आ गई, और होलिका से वो शॉल हट गई तो होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तो इसी वजह से होली मनाई जाती है। तो होली में होलिका क्या था, बुराई का प्रतीक थी, ठीक है। तो इसीलिए होली में हम लोग बुराई को नष्ट करते हैं और आपस में बैर भाव बुला के आपस में गले लगते हैं, ठीक है। तो आज हम इसका कराएंगे आपको शब्द भंडार। तो एक साइड में आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग, साइड में हेडिंग डालिए वर्ड मीनिंग और लिखना स्टार्ट करिए। संवत्सर, संवत्सर मीन होता है साल, वर्ष। सर्वव्यापी, प्रत्येक जगह उपस्थित। सर्व माने होता है सभी और व्याप मीन्स होता है रहने वाला, अतः सर्वव्यापी सभी जगह उपस्थित रहने वाला। उपासना, उपासना मीन्स होता है पूजा। नेक्स्ट है अहंकारी, अहंकारी मीन्स होता है घमंडी। स्मरण करना, याद करना। प्रतीक, निशानी।
तो बच्चों ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग, तो आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ आते हैं ओरल क्वेश्चन, तो उनको आप ऐसे ही समझेंगे, ओरल क्वेश्चन है, इनको आप ओरली समझेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप इनको जिससे लिख सकें, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर बताइए, अगर आप अपनी नोटबुक में इनको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। होली के दिन आप क्या क्या करते हैं? होली के दिन हम लोग रंग खेलते हैं, अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ बांटते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। इस दिन हमारा नए साल का शुभारंभ होता है, तो होली से ही हमारा, होली के दिन ही हमारा नए साल का शुभारंभ होता है। जो हिंदी महीना होता है उसमें जो नए साल की शुरुआत होती है इसी दिन से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वयं को ईश्वर मान बैठा था और क्यों? कौन स्वयं को ईश्वर मान बैठा था और क्यों? जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को ईश्वर मान बैठा था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रताड़ित क्यों किया? तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रताड़ित इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि वो उसका बेटा उसी का नाम ले, और भगवान विष्णु का वो, भगवान विष्णु को वो अपना शत्रु मानता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो उसका बेटा भगवान विष्णु का नाम ना लेकर उसका नाम जपे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए नोटबुक में, और नहीं लिखना चाहते तो इनको ध्यान रखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप इसको कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट।